उत्साह निश्चयात धैर्यात तत तत कर्म प्रवर्तनात संग त्यागात सतो वृत्ते सड़वीर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति प्रसिद्ध होती है, सिद्ध होती है, प्रसिद्ध होती है। कौन सी छह चीजों से? उत्साह, पढ़ाई करनी है तो उत्साह चाहिए, शादी करनी है तो उत्साह चाहिए, है ना, बिजनेस करना है तो उत्साह चाहिए, कोई भी चीज करनी है तो उत्साह, उत्साह के बिना काम नहीं बनता। तो भक्ति में भी उत्साह चाहिए, भक्ति में भी उत्साह चाहिए। कैसे मैं भगवान को खुश करूं, सुबह जाऊं मंदिर, मनाऊं कृष्ण को, गाऊं, माला करूं, पूजा करूं, उत्साह उत्साह कैसे मैं बढ़ाऊं। आज मैं 5 बजे उठ, कल मैं 4:45 5:45 उठता हूं, उत्साह। भक्ति में उत्साह होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उत्साह। सक्सेसफुल बिजनेस में बनना है सक्सेसफुल, तो उत्साह रखना पड़ेगा। मरते हुए टहलते हुए बिजनेस पर जाओगे तो बिजनेस भी मरेगा। उत्साह से जाते, दौड़ते हुए भागते, देखोगे मेट्रो में लोग कितना भागते हैं, शाम को भी घर में जाने के लिए, बीवी बच्चों को मिलने के लिए उत्साह, भागते हुए दौड़ते हुए, है ना, उत्साह दिखाई दे रहा है वहां। लेकिन भगवान की ओर जाने के लिए मरते हुए। भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे, उत्साह होना चाहिए भक्ति में। भगवान के समक्ष नाचने में उत्साह होना चाहिए, भगवान पसंद करते हैं कोई नाचता है तो, भगवान के नामों के साथ, ऐसा नहीं कि डिस्को डांस, भगवान के नामों के साथ जब हम नाचते हैं भगवान राजी होते हैं, भगवान खुश होते हैं। उत्साह निश्चयात, निश्चय होना चाहिए, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, मैं भगवान को खुश करके ही रहूंगा, मैं भगवान के धाम में जाके ही रहूंगा, मैं भगवान की 16 माला करके ही रहूंगा। निश्चय, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, उत्साह निश्चयात, निश्चय करना चाहिए। व्रत में, व्रत का भक्ति में स्थान है, भीष्म व्रत लेना चाहिए। आज ये श्रावण, ये कार्तिक महीना है, मैं हर रोज भगवान के नाम की, हरे कृष्ण मंत्र की 128 माला करूंगा। लेते हैं व्रत, कई लोग लेते हैं हमारे व्रज में, मैं दंडवती परिक्रमा करूंगा, व्रत लेते हैं, उत्साह है, धीरज है। व्रत, दृढ़ व्रत, भीष्म प्रतिज्ञा करनी चाहिए, भीष्म प्रतिज्ञा, ध्रुव प्रतिज्ञा, ध्रुव महाराज जी प्रतिज्ञा, उसको बोलते हैं धीरज, धैर्यात। और तत तत कर्म प्रवर्तनात्, मतलब कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, नवडा भक्ति करनी चाहिए। तत तत कर्म प्रवर्तनात्, नवडा भक्ति करनी, तत तत कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात। और जिनको कृष्ण भक्ति में रस नहीं है उनके संग का त्याग, मतलब कि उनके उनके साथ व्यवहार करो लेकिन संग इतना मत करो कि आप लिपट जाओ। जितना जितना जरूरी है बस, बाकी का संग त्याग। जिनको कृष्ण भक्ति में रस नहीं है उनके संग का त्याग, संग त्यागात। सतो वृत्ते, सतो सत मतलब साधु, गुरु आचार्य,
आचार्य गुरुओं का चरण चिन्हों में चलना, उनके चरण चिन्हों में चलना, उनको बोलते हैं सतो वृत्ते। बड़े बड़े आचार्य प्रभुपाद जैसे, उनके चरण चिन्हों में चलना। तो ये छह चीजों से हम भक्ति में दिन ब दिन बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। उत्साहान, निश्चयात, धैर्यात, तत तत कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, सतो वृत्ते, सड़बीर, छह चीजों से सड़बीर भक्ति प्रसिद्धति, सिद्ध होती है भक्ति।